हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, इट्स मी एरी फ्रॉम इजी म्यूजिक। और आज आपका लेसन जो है वो एक आरडी बर्मन का सॉन्ग, जो आरडी बर्मन ने अब तक जितने भी सॉन्ग्स कंपोज किए, द मोस्ट रोमांटिक, द टॉप ऑफ द लिस्ट सॉन्ग, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसका आज वॉयलिन लेसन होगा। सो शुरू करते हैं। ओके, ये सॉन्ग प्ले करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका वॉयलिन जो है वो ट्यून में है, जो कि है ई ए डी जी। फाइन, जैसे हो गई ट्यून में हो जाएगा। उसके बाद जो है पहले ही पार्ट सुन लें कि जो आपने सीखना है, जो आप प्ले करेंगे। अच्छा, अभी किस तरह से प्ले करना है आपने, इसे पार्ट्स में सीखते हैं। पहले आपने जो हो वो जो है थर्ड फ्रेट ए पे आएगा, ठीक है, एक दफ़ा। उसके बाद जो है आपने थर्ड से फिफ्थ पे आपने टैप करना है स्टार्टिंग में, ठीक। इसे स्लोली मैं करता हूँ। ठीक, सेकंड 3-5, अगेन 2-3-5, फिर 2-5-3, 3-2-3। दोबारा सुने, अगेन द सेम थिंग। ठीक, अब मैं साइड बाय इसकी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे दो दफा थर्ड फ्रेट प्ले करें, फिर उसके बाद 2-3, अगेन टैप 2 और 3 में, फिर डी पे फिफ्थ फ्रेट, ए पे सेकंड, ओपन, दो दफा ओपन, फिर सेकंड और थर्ड। ठीक, अब ये पार्ट आपने जो दोबारा से रिपीट करना है, किस तरह से, ठीक। अब दोबारा से आते हैं इस पार्ट को, अब यहाँ से जो तीसरी दफ़ा जो आपने प्ले करना है, उसके बाद क्या, ठीक, यहाँ से आपने जो एक नाम है सेकंड थर्ड नहीं आना, आपने क्या करना है सेकंड पे जो एक नाम है लाइक इस तरह से करना, यहाँ से आपने टैप करना है, या आप ओपन डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। इस पार्ट को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक। उसके बाद डी पे थर्ड फ्रेट, ए ओपन, डी पे फिफ्थ। अब यहाँ से जो है मैं अपनी पिंकी फिंगर से जो है कि नाम है सेवन्थ पे टैप किया, फिफ्थ से सेवन्थ पे, ठीक, सुना, अगेन द सेम थिंग। अब यहाँ पे टैप नहीं करना, आपने ए ओपन पे आ जाना, फिर थर्ड से जो एक नाम है डी फ्रेट पे, ओपन है, थर्ड फ्रेट, ओपन, फिफ्थ। अब ये मैं शुरू से सारे रिपीट करता हूँ, ऊपर नोट्स आ रहे हैं जिन्हें आप देख के जो एक नाम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक,
फिर उसके बाद ना 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 ना, अब ये किस से है? फिफ्थ फ्रेट डी पे, सेकंड ए फ्रेट पे, उसके बाद थर्ड फ्रेट से आप सेवंथ ए पे जो है सेवंथ फ्रेट भी प्ले कर सकते हो और ई पे आप ओपन भी प्ले कर सकते हो, ठीक, दोनों एक ही साउंड है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ई ओपन प्ले किया, ठीक है, इसे मैं स्लोली प्ले करता हूँ, फिर वही चीज। अब यहाँ से आपने जो स्लाइड करनी है थर्ड पे। अब स्लाइड मैंने कैसे की है, मैंने यहाँ पे फिफ्थ फ्रेट पे जो अपनी थर्ड फिंगर रखी हुई है, ठीक है, और पीछे जो एक नाम में मैंने जो अपनी सेकंड फिंगर है वो रखी हुई है। जब मैं इसे करता हूँ पीछे की तरफ करता हूँ, ठीक है, और साथ ही मैं बड़े आराम से अपनी जो है ना थर्ड फिंगर उठा ली है, ठीक है, थर्ड फ्रेट पे जाते हुए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट दोबारा से सुने, अगेन द सेम थिंग, अब यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया, किस तरह से, ठीक। तो इस तरह से आपने जो है कि नाम है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा आपने वॉल पे प्ले करना है। नाउ डू प्रैक्टिस इट। आई होप आपको समझ आ गई है कि आपने ये सॉन्ग एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सॉन्ग आपने कैसे वॉल पे प्ले करना है। नाउ डू प्रैक्टिस इट। और अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा या आपको मेरे लेसन ने हेल्प आउट किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर क्लिक करना ताकि जो मेरे फ्यूचर लेसन हैं जो सॉन्ग्स वॉयलिन के वो आप पहले हों जो देख सकें। सो अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन।